हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास का केमिस्ट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी एल्कीन के बारे में। एल्केन के बारे में भी बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है देन प्लीज़ गो बैक टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच देम, ओके। तभी आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूँ एल्काइंस के ऊपर। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन आइटम कनेक्टेड आइदर बाय डबल बॉन्ड और बाय ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हमने एल्कीन कहा था, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को एल्काइन कहते हैं। अब डिटेल में स्टडी करते हैं एल्काइंस के बारे में। सपोज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, ओके, अगर हम एक ही कार्बन को लेंगे तो एल्काइन फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए स्टूडेंट्स? थ्री बॉन्ड बन चुके हैं, एक बॉन्ड और बनाएगा। इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? थ्री बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड और बनेगा। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आई कैन राइट ऑल्सो लाइक दिस, C2H2। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। नाउ व्हाट अबाउट द नेम? नेमिंग के रूल लिखे हुए हैं, हमने आप लोगों को बता रखा है वर्ड रूट। हाउ मेनी कार्बन? टू कार्बन। फॉर टू कार्बन वी हैव एथ। बॉन्ड इज ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड है। देन स्टूडेंट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लिखा हुआ है? आइन। यहीं से नेम आया है वाई एन ई। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इट्स इज इथाइन। इसको हम एक कॉमन नेम होता है स्टूडेंट, ये इसका आई यू पी ए सी नेम है, ओके। चलो आई यू पी ए सी नेम के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल इसका नाम इथाइन। लेट अस टेक अनदर कंपाउंड। नाउ आई हैव टेकन थ्री कार्बन एटम एंड ट्रिपल बॉन्ड इज हियर, ओके। अभी हम एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, दूसरी जगह पर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, ओके। कितने बॉन्ड बन चुके हैं इस वाले कार्बन के? 1 2 3, एक बॉन्ड और बनेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, इसके लिए 1 हो चुका है, तो 3 बॉन्ड और बना दीजिए। आई कैन राइट लाइक दिस, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। और आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, C3H4, ओके, 3 and 1 4। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड रूट, हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3, थ्री कार्बन मीन्स प्रॉप, ओके। ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, हमें जो सफिक्स लगेगा वो ट्रिपल बॉन्ड का लगेगा, सिंगल बॉन्ड का नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू IUPAC। ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? आइन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपाइन, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपाइन। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। नाउ आई हैव टेकन फोर कार्बन एटम, ओके, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज हियर, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वाले कार्बन को देखिए कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 1 2 3, वन बॉन्ड अभी भी बन सकता है तो बना दीजिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये अपने में खुश है। बट इस वाले कार्बन को देखिए, 1 and 2, दो बॉन्ड और बनेंगे इसके। इसको देखिए, एक बॉन्ड बना है तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बनने के लिए और इसके पास में कैपेसिटी है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस कर दीजिए इसको, CCH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H6। नेम शुड बी ब्यूट। फोर कार्बन के लिए जो वर्ड रूट है वो क्या है? ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आएगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? आइन।
okay. So the name of this compound is butyne. Now let us take one more example. 1 2 3 4 5. Now I have taken 5 carbon atom, okay. Triple bond is here and place single bond at all the places. Now for this carbon, how many bond already done? 1 2 3. One bond can be also formed for this carbon. 1 2 3 4. For this carbon 1 2 2 bond और बन सकते हैं इसके लिए. 1 2 2 बॉन्ड और बन सकते हैं इसके लिए. 1 बॉन्ड बन चुका है. 3 बॉन्ड और बन सकते हैं. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सी एच ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी एच टू सी एच थ्री. कंडेंस फॉर्मूला हो चुका है. मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H8. ओके, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी पेंट. 5 कार्बन है इसलिए पेंट. ट्रिपल बॉन्ड है, दैट्स वाई आइन, इट्स पेंटाइन. ओके, तो स्टूडेंट एल्किन के बारे में समझ गए. अब बात करते हैं गोल्डन रूल के बारे में, ठीक है, कि अगर हम एल्काइन्स के ऊपर गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा. नाउ आई थिंक मुझे अब इसको रफ कर लेना चाहिए. स्टूडेंट लुक एट द फर्स्ट फॉर्मूला, C2H2. दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन. सेकेंड मेंबर ऑफ एल्काइन C3H4. थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन C4H6. फोर्थ मेंबर इज C5H8. नाउ थिंक पैटर्न तो वही चल रहा है, एक एक कार्बन बढ़ रहा है सर, दो दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको इस पैटर्न से काम नहीं चलेगा. हम कहें हमें ऐसे एल्काइन का फॉर्मूला बताइए जिसमें 10 कार्बन एटम है, तो क्या हम ऐसे 9 तक बनाएंगे? नहीं. ध्यान से समझिए गोल्डन रूल. हाइड्रोजन के नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 कम है. देखो 2 का डबल कितना होता है? 4. 4 में से 2 माइनस करेंगे 2. 3 का डबल कितना होता है? 6. 6 में से 4 माइनस 2 माइनस करेंगे 4. 4 का डबल कितना होता है? 8. 8 में से 2 माइनस करेंगे 6. 5 का डबल कितना होता है? 10. 10 में से 2 माइनस करेंगे 8. इफ आई हैव 6 कार्बन एटम देन व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स एल्काइन? C6H. डबल करिए, 6 का डबल कितना होता है? 12. उसमें 2 माइनस कर दीजिए, 10. इफ आई हैव 10 कार्बन एटम देन C10H. व्हाट इज द डबल ऑफ 10? 20. माइनस 2, 18. इफ आई हैव 100 कार्बन एटम देन C100H. डबल ऑफ 100, 200. माइनस 2, 198. इफ आई हैव 50 कार्बन देन इट शुड बी 98. करेक्ट. इफ आई हैव n नंबर ऑफ कार्बन देन द हाइड्रोजन शुड बी डबल, माइनस 2. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन. ओके, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन. याद करिए एल्केन के बारे में जनरल फॉर्मूला क्या बताया था हमने? CnH2n+2 फॉर एल्केन. एल्कीन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n फॉर एल्कीन. और एल्काइन का क्या हो गया? CnH2n-2. मीन्स पहले डबल से 2 ज़्यादा, फिर जस्ट डबल, और फिर डबल से 2 कम. तो ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट एल्काइंस. आप हमने कहाँ तक बनाए हैं? 5 कार्बन तक बनाए हैं. आप 6 कार्बन लेके, 7 कार्बन लेके, 8 कार्बन लेके कंपाउंड्स को बनाइएगा, नेम लिख के देखिएगा. अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, हम बताएंगे फिर. ओके, तो इस वीडियो को आप समझो, पढ़ो अच्छे से. नेक्स्ट वीडियो में हम आप लिए सामने लेके आएंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड. ओके, तब तक के लिए बाय बाय.